चंद्रा वर्मा मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम बात करेंगे सपनों की। सपने, वो सपने जब हमें रात को आते हैं तो अगला दिन हमारा बहुत ही अच्छा निकलता है। अच्छे सपने तो अगला दिन पूरा अच्छा, जैसे पता नहीं हमें क्या मिल गया, पता नहीं किसी ने हमें क्या दे दिया। लेकिन अगर बुरा सपना आ जाए तो हमारा पूरा अगला दिन बहुत ही बुरा निकलता है। इस वहम में, इस डर में कि कुछ गलत नहीं हो जाए, इस डर से कि हमसे कोई कुछ छीन ना ले, हमारा कुछ खो ना जाए, हम अपना पूरा दिन खराब कर देते हैं। पर दोस्तों, सपने ये नहीं है जो हमने रात में देखे और अगला दिन पूरा उस पर निर्भर कर दिया कि वो कैसा आएगा, क्या आएगा। सपने ये नहीं, सपने वो हैं जो हम जागती आंखों से देख रहे हैं। सपने वो हैं जिसको पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ रही है। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें नींद आने ही नहीं देते। दोस्तों, सपने कभी बंद आंखों से नहीं देखे जाते। सपने देखिए आप, सपने दिल भर कर देखिए, सपनों को देखने के लिए वो जोश रखिए। क्योंकि जब तक हम सपने नहीं देखेंगे, हमारे जीवन का लक्ष्य कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। हम जो सोच रहे हैं, हमें कैसे पाना है, क्या पाना है, हमें अपने जीवन में क्या करना है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, जब तक हम ये डिसाइड नहीं करेंगे, हमारा जीवन, हमारा जो लाइफ है, ये व्यर्थ है, कोई काम का नहीं। इसीलिए सपने देखें। सपने जब तक देखेंगे नहीं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सपनों को मजबूत धरातल दें, काल्पनिक नहीं हो, जब तक हमसे रिलेटेड नहीं हो, जब तक हमारे भविष्य से जुड़े हुए नहीं हो। सपने पूरे करने के लिए मैं आपको सिर्फ दो मंत्र बताऊंगी जो हमारे जीवन को नया मोड़ देंगे, जो हमारे जीवन को नई दिशा देंगे, जो हमारे जीवन को एक सुखद भविष्य देंगे, एक खुशहाल जीवन देंगे, हमारे समाज को, हमारे परिवार को भी। दो मंत्र मैं अभी आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनिए दोस्तों। पहला मंत्र होता है कठिन परिश्रम करना और दूसरा मंत्र है सतत प्रयास। कठिन परिश्रम का मतलब है कि हम जो गोल डिसाइड कर रहे हैं, जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, उसको पाने के लिए जितनी मेहनत कर सकते हैं उससे ज्यादा करें। और दूसरा मंत्र उससे भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो है सतत प्रयास, लगातार प्रयास करें। बहुत सारे ऐसी महान हस्तियां हैं जो हम देख रहे हैं, जिनको हम सुनना पसंद करते हैं, जिनके बारे में हम जानना पसंद करते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि उनको उस शिखर तक आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, कितना परिश्रम करना होगा। हम वो भूल जाते हैं, हम सिर्फ उनकी सफलता देखते हैं। इसीलिए दोस्तों, दूसरे की सफलता देखें, अपना सपना देखें, लेकिन उसको पूर्ण करने के लिए मेहनत अवश्य करें। कुछ हमारे दोस्त मेहनत भी करते हैं, लगातार नहीं करते। वो सोचते हैं कि एक बार हमें असफलता मिल गई तो बस अब कुछ नहीं हो सकता, अपने घुटने वहीं टेक देते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर सफलता नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, हम फिर से प्रयास करेंगे। दूसरी बार भी नहीं मिलती, हम तीसरी बार प्रयास करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लगातार प्रयास करते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों, ये भी निश्चित है कि अगर हम सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार कोशिश करते रहे तो निश्चित रूप से सफलता हमें मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस मेहनत करना नहीं छोड़े, अपनों को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करें, उसे मजबूत धरातल दें, उसे जुनून दें, उसे जज्बा दें और पूरे करने का हौसला अपने दिल में रखें। तो आपके सपने देखिए, सिर्फ आपके नहीं होंगे बल्कि सब लोग देखेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए जज्बात के साथ, एक नए जुनून के साथ। लेकिन जाने से पहले दो पंक्तियां आपसे जरूर कहना चाहूंगी। उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते,
मंजिल दूर हो तो थक कर रोया नहीं करते, उम्मीदों की कश्ती को कभी डुबोया नहीं करते, मंजिल दूर हो तो थक कर रोया नहीं करते, जो रखते हैं उम्मीद कुछ पाने की, दोस्तों जो रखते हैं उम्मीद कुछ पाने की, जिंदगी में वो लोग कभी कुछ खोया नहीं करते। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। बहुत जल्द हम आएंगे आपके पास एक नई वीडियो के साथ, एक नए जज्बात के साथ। तब तक खुदा हाफिज़।